Hello everyone, let's solve this question. So we have a given data, let me underline the important terms. Okay, monochromatic light. Monochromatic means होता है single color light, ठीक है, जिसका color single हो, एक color light हो, ठीक है. Of wavelength 589 nanometers means वो light जो है monochromatic light, उसका wavelength क्या है, 589 nanometers है. So इसको हम लोग meters में convert कर लेंगे ऐसा unit में, क्योंकि हम जानते हैं कि मैक्सिमम टाइम जब न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है सो कोशिश की जाती है कि ऐसा यूनिट में होना चाहिए वैल्यूज, ठीक है. सो वेवलेंथ इज 589 नैनोमीटर्स, तो ऑब्वियसली ये वेवलेंथ कहाँ होगा, एयर में, ठीक है, एयर या फ्री स्पेस, वैक्यूम जो बोल लो आप. इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सर्फेस, ठीक है, एयर से कहाँ इंसिडेंट हो रहा है, वाटर सर्फेस में, आप देख सकते हो क्वेश्चन में लिखा है. सो एयर में इसका वेवलेंथ क्या है, 589 नैनोमीटर्स. सो ये पहला इंपॉर्टेंट गिवन डाटा हो गया, दैट इज वेवलेंथ इन फ्री स्पेस. यहाँ हम नॉट लगा रहे हैं, लैम्डा नॉट, ठीक है, लैम्डा नॉट क्या हो गया, 589 नैनोमीटर्स, जिसको आप लिख सकते हो 589 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर्स, ठीक है, नैनो को माइनस 10 टू द पावर माइनस 9 से कन्वर्ट करोगे देन इट विल बिकम मीटर, ठीक है. सो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, आप देख सकते हो एक्चुअली एयर से वाटर में इंसिडेंस हो रहा है ना, रिफ्रैक्शन हो रहा है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवेन है हमारा, दैट इज 1.33, और ये ऑलवेज 1.33 होता है वाटर के लिए, आप लर्न भी कर सकते हो. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वॉट, 1.33, एंड कोई यूनिट्स नहीं होगा क्योंकि यूनिटलेस होता है. सो हम लोगों को निकालना क्या क्या है उसको समझते हैं. फाइंड द वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टिव लाइट मीन्स रिफ्रैक्ट होकर के जो गया दूसरे मीडियम में, उसका वेवलेंथ फाइंड करना है कि वेवलेंथ कितना घटेगा, बढ़ेगा या क्या हो जाएगा, स्पीड क्या होगा उस मीडियम में, दैट इज वाटर में स्पीड क्या हो जाएगा लाइट का, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वहाँ पर. तो एक बात तो पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली इनर्जी ऑफ द लाइट, ठीक है. वो कलर जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट, जब सपोज वी हैव एग्जांपल, सपोज हम लोग ग्रीन ग्रीन कलर के लाइट को यूज़ करते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, और उसको एयर से वाटर में इंसिडेंस करा रहे होते हैं, रिफ्रैक्शन करा रहे होते हैं. सो वाटर में जाने के बाद ऐसा नहीं है कि उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो ग्रीन ही रहेगा ऑब्वियसली, है ना. सो कलर्स जो होते हैं ना वो एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, वो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होते हैं. सो फ्रीक्वेंसी विल नेवर चेंज, एनर्जी विल नेवर चेंज, वो ग्रीन है तो ग्रीन ही रहेगा. थोड़ा डिमिनिश दिखे, थोड़ा धुंधला दिखने लग जाए, इसकी बातें अलग होती हैं, वो दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स के, बट वो ग्रीन है तो ग्रीन ही रहेगा, ठीक है. सो फ्रीक्वेंसी विल नेवर चेंज. आप एयर में फ्रीक्वेंसी निकाल लो या वाटर के अंदर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, दोनों केस में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम ही मिलेगी हम लोगों को, वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. पहले वेवलेंथ और स्पीड पे वॉक करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे लास्ट में वॉक करेंगे, ठीक है. वन मोर थिंग, लेट मी डिस्कस समथिंग अबाउट स्नेल्स लॉ. थोड़ा स्नेल्स लॉ आप लोग के साथ डिस्कस करना हम चाहेंगे. हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज अकॉर्डिंग स्नेल्स लॉ, अगर एक मीडियम में हमारा मान लेते, देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा सॉल्यूशन जाने वाला है, लेकिन प्लीज़ पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, नहीं देखिएगा तो आप ही को लॉस होगा. दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, ओके, इंसिडेंट रे इसको आप एयर मान लो, एयर, एंड दिस इज वाटर ऑब्वियसली, ठीक है, ये डेंसर है, रेयरर है, ओके. रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, वाटर, एयर टू वाटर इंटरफेस कर रहा है ना, एयर टू वाटर. तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, मैंने आपको मतलब स्नेल्स लॉ जो है वो स्टेटमेंट ये बता रहा होता है, दैट इज N1, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मल्टीप्लाइड विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 मल्टीप्लाइड विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन R, ओके. ये स्नेल्स लॉ बताता है, यहाँ से साइन I बाई साइन R अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा N2 बाई N1. इसको बेसिकली आपके NCERT बुक में या HC1 में डायरेक्टली स्नेल्स लॉ के लिए N लिख करके दिखा दिया गया है, दैट इज ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जा रहा है उस मीडियम का, डायरेक्टली उस मीडियम का जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट एंटर कर रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ वाटर है ऑब्वियसली. सो ये जो N2 इस अपॉन N1 लिखा है ना, ये डायरेक्टली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बता दिया जाता है, ठीक है. अब थोड़ी सी चीज़ें और हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, अब थोड़ा देखिए हमारा फार्मूला बेसिकली इस एब्सोल्यूट, ये जो है N, NM, दिस इज एब्सोल्यूट
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन हम लोगों को बताता है, दैट इज अगर आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहो किसी मीडियम का, सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो रहा होता है. ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए. लेकिन इसको भी और भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं वेवलेंथ्स के टर्म में, क्योंकि आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन में सारे डाटा वेवलेंथ से रिलेटेड हैं. सो यहाँ वेवलेंथ तो कहीं आपको नहीं दिख रहा ऑब्वियसली, लेकिन हाँ आप इसको डिराइव कर सकते हो. देर इज लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज. कैसे, आपको याद होगा आपने स्टैंडर्ड 9th में या स्टैंडर्ड 11th में एक टॉपिक पढ़ा था जो कि बेसिकली साउंड एंड वेव्स है. ठीक है, साउंड एंड वेव्स, वहाँ पर आपने रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पढ़ा था. दिस इज द रिलेशनशिप लीनियर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में. ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, वी टाइप का जो सिंबल मैंने बनाया लाइक दिस, लहराता हुआ भी. ठीक है, ये वी ही है बट थोड़ा कर्वी कर्व मैंने कर दिया है. सो दिस इज फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ से आप देख सकते हो वेलोसिटी का रिलेशनशिप क्या मिल रहा है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ, दैट इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड विथ वेवलेंथ. तो यहाँ भी तो ये वेलोसिटी ही है ना. सी ये क्या है, वेलोसिटी ही है स्पीड ऑफ लाइट का इन मीडियम. सो इसको अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहो उस फार्मूला को, सो इट विल बिकम लाइक दिस. देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज इक्वल्स टू सी. सी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इन फ्री स्पेस. तो वेवलेंथ नॉट, लैम्डा नॉट मैंने लगा दिया है. और अगेन यहाँ जो मीडियम में फ्रीक्वेंसी होगा, मीडियम में जो वेलोसिटी होगी उस स्पीड ऑफ लाइट की, उसको क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इन दैट मीडियम. एंड मैंने कहा ना फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, एनर्जी चेंज नहीं होगा. अगर ये ग्रीन कलर का लेज़र है तो रिफ्रैक्शन के बाद भी ये ग्रीन ही रहेगा. तो ग्रीन की कलर किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे. तो फ्रीक्वेंसी विल नेवर चेंज, ओनली वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंज. ठीक है, तो वेवलेंथ घटता बढ़ता रहता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहता है. इन दैट केस आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रह जाएगा. तो यहाँ फॉर्मूला आपने क्या किया, आपने सी इज इक्वल्स टू क्या किया, मीन्स ये भी वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा दैट इज इन फ्री स्पेस. और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या किया आपने, वेलोसिटी इन दैट मीडियम, अगेन फ्रीक्वेंसी जो कि सेम रहेगा बट लैम्डा चेंज कर जाएगा. सो लैम्डा नॉट लिख देंगे हम लोग, वेवलेंथ उस मीडियम में, दैट्स वाई लैम्डा नॉट मैंने यूज, लैम्डा एम मैंने यूज़ किया है. यहाँ लैम्डा नॉट है और यहाँ लैम्डा एन है. ठीक है, आप नॉट की जगह एयर भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम. आप चाहते तो लैम्डा इन एयर लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट बेसिकली नॉट जो है ना वो फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम के लिए यूज़ किया जाता है. सो ये चीज़ मैंने यहाँ प्रयास किया. ठीक है, तो आपको एक नया रिलेशनशिप यहाँ मिलेगा. देखो फ्रीक्वेंसी विल स्ट्राइक आउट, सो वी विल गेट द न्यू फार्मूला, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दैट मीडियम इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट, दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाई वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना. और इस फार्मूला से हमारा पहला आंसर आएगा, दैट इज़ देखिए यहाँ वेवलेंथ जो कैलकुलेट करना था ना, आप देख सकते हो ये पहला आंसर हम लोग को यहाँ मिल जाएगा. अब कैसे, तो वैल्यूज बस पुट कीजिए, दैट इज वहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दिया हुआ है इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इन फ्री स्पेस आपको मालूम है दैट इज 589 नैनोमीटर्स, नैनोमीटर्स में ही रहने देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन मीडियम. जब इसको आप सॉल्व करोगे देन इट विल बिकम वेवलेंथ इन मीडियम इज इक्वल्स टू 589 डिवाइडेड बाई 1.33. ठीक है, और इसको आप सॉल्व करोगे ना इट विल बिकम, आप इसको कट करके देख लेना, मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, 422.85 नैनोमीटर्स के आसपास आना चाहिए, 84 आ जाए, 85 आ जाए, नो प्रॉब्लम. ठीक है, सो ये आपका वेवलेंथ आपने कैलकुलेट कर लिया. अभी कब, जब वो जो लाइट है हमारा, जब वो सेकेंड मीडियम में इंटर करेगा दैट इज़ वाटर में, तो उसकी वेवलेंथ घटेगी बढ़ेगी कितना होगी ये चीज़ हम लोगों ने देखा. तो अब देख सकते हो ऑब्वियसली यहाँ वेवलेंथ क्या हो रहा है, फ्री स्पेस में वेवलेंथ क्या था 589 नैनोमीटर्स, और उस वाटर में क्या हो गया है 442, ऑलमोस्ट अबाउट 442 नैनोमीटर्स. तो ऑब्वियसली घट रहा है ना वेवलेंथ, कॉमन सेंस से आप देख सकते हो वेवलेंथ डिक्रीज्ड. हाउ मच टाइम डिक्रीज तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो वेवलेंथ, बट रहने देते हैं, क्वेश्चन में नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो पहला क्वेश्चन आपने फाइंड कर लिया, पहले क्वेश्चन का आंसर दैट इज वेवलेंथ इन दैट मीडियम इज व्हाट 442, दैट इज 442.85 नैनोमीटर्स. चलिए पहला आंसर तुम्हारा हो गया, लेट्स चेक द ऑप्शन. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 442.85 नैनोमीटर्स वेवलेंथ हम लोगों ने निकाल लिया. दूसरा क्वेश्चन है हमारा फ्रीक्वेंसी, बट मैंने बोला ना फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, सो उसको हम लोग बाद में करेंगे लास्ट में, स्पीड पहले कर लेते हैं. ठीक है, स्पीड. चलिए अभी आपने एक फार्मूला यहाँ पर देखा, चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला फिर से लिखते हैं फॉर स्पीड कैलकुलेशन. ठीक है, स्पीड
स्पीड के कैलकुलेशन के लिए। ओके, सो हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का फार्मूला पढ़ा, दैट इज सी बाई वेलोसिटी इन दैट मीडियम। ओके, और इसको हम लोगों ने वेवलेंथ के टर्म में भी देखा, दैट इज लैम्डा नॉट बाई लैम्डा एम, राइट। ये फार्मूला हम लोग को फिलहाल मिल रहा है, बट इतना रिक्वायर्ड नहीं है, आप यहाँ से भी आंसर फाइंड कर सकते हो बहुत ईजी इतनी दूर से। कैसे? तो आपको फ्रीक्वेंसी मालूम है 1.3, सॉरी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है 1.33, है ना। चलिए, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट कहाँ है? ऑब्वियसली फ्री स्पेस में, है ना। और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम निकालना है, सो ऑब्वियसली आप इसको थोड़ा रीअरेंज करोगे, यू विल गेट द आंसर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.33। एंड ऑब्वियसली इसको आप सॉल्व करोगे, ये मीटर पर सेकेंड है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में ही आंसर आएगा हमारा। दैट मतलब ये लगभग आपको 2.25 मीटर पर सेकेंड × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के आसपास आना चाहिए, ठीक है। दिस इज द आंसर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट वाटर इन दैट मीडियम, वी गॉट 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली अगेन वेलोसिटी डिक्रीज्ड, है ना। आपका स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर में क्या है? 3 × 10⁸, बट वाटर में क्या आ गया? 2 × 10⁸, ऑलमोस्ट 0.25 को मैंने इग्नोर किया है। सो यहाँ पर ऑब्वियसली वेलोसिटी भी घट जा रही है, तो वेवलेंथ भी घट गई वाटर में जाने के बाद उस रे ऑफ लाइट का, और वेलोसिटीज भी घट गया, बट मैंने कहा फ्रीक्वेंसी नहीं घटता है। सो अब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के पास फार्मूला है, दैट इज वही स्टैंडर्ड 9th या 11th वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए। वेलोसिटी इक्वल्स टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, है ना, ये हमारा फार्मूला है। नाउ अब देखिए, यहाँ आप दो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। या तो आप वाटर के अंदर के लिए, मतलब इनसाइड द वाटर केस ले लो, जहाँ पर आपको वेलोसिटी इन दैट मीडियम लेना पड़ेगा, जो कि 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और वेवलेंथ इन दैट मीडियम क्या हो गया? वो लगभग आपका 442 क्या था, लेट मी चेक, मुझे याद नहीं है, 442.85 × 10⁻¹⁹ मीटर्स है, है ना। सो ऑब्वियसली यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, आपको दो चीज़ें मिल गई ना, लेट मी चेक क्या क्या आपको फाइंड हो गई। आप यहाँ पर वेलोसिटी इन दैट मीडियम आप देख चुके हो, और आपको वेवलेंथ इन दैट मीडियम मालूम है, तो आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लोगे ना। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इन दैट मीडियम डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन दैट मीडियम। तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये आप करोगे यहाँ इस वे से, जो है ना, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। हम एयर वाले सॉल्यूशन को लेंगे, ठीक है। मतलब एयर में फ्रीक्वेंसी क्या है? ऑब्वियसली एयर में जो फ्रीक्वेंसी होगा, वाटर के अंदर भी वही फ्रीक्वेंसी होगा, कोई चेंज नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है। सो इनसाइड आउटसाइड फ्रॉम द वाटर एयर में कैलकुलेट करते हैं। अगेन हमारे पास सेम फार्मूला होगा, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, बट ये वेलोसिटी इन फ्री स्पेस है वी नॉट, और वेवलेंथ भी फ्री स्पेस में है, तो लैम्डा नॉट, और फ्रीक्वेंसी तो चेंज ही नहीं होता है। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इन फ्री स्पेस बाई वेवलेंथ इन फ्री स्पेस, दैट इज फ्री स्पेस का वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट ही है डायरेक्टली, और वेवलेंथ इन फ्री स्पेस जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको सॉल्व करोगे आप, हमारा आंसर आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई आपको जो वेवलेंथ है फ्री स्पेस में वो है 589 × 10⁻¹। अब आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, -9 मीटर्स। ओके, सो ये वेवलेंथ आपका है ऑब्वियसली। सो इसको आप कैलकुलेट करोगे, अगर इसको आप सॉल्व करते हो, विल डेफिनेटली गेट गॉट द आंसर, दैट इज 5.09 × 10⁻¹⁴ हर्ज। दिस इज द आंसर वी गॉट। ये आपका फ्रीक्वेंसी होगा कहाँ? कहीं भी, ठीक है, वाटर के अंदर लो, वाटर के बाहर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने एक होमवर्क दिया ना आपको भी, जस्ट आप इस अप्रोच से चेक कर लेना, ठीक है। आप इनसाइड दी वाटर के केस में भी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना, और कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि यस सर वी गॉट द सेम आंसर। सो वहाँ प्रूव हो जाएगा कि हाँ सर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी इज एनर्जी। तो ग्रीन कलर का लेजर लाइट है तो ग्रीन ही कलर रहेगा, वाटर के अंदर रहे या वाटर के बाहर रहे, है ना। सो आप इस मीडियम वाले केस में सॉल्व करके देखना, और बोलना कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, यस सर आई गॉट द आंसर विच इज सेम वैल्यू, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। और यहाँ आपने फ्री स्पेस में कैलकुलेट कर लिया जो कि इसके बराबर है। सो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आप दोबारा वीडियोस को पाउज कर करके रिपीट करके देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डेफिनेटली। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही माइंड ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इन द रे डायग्राम गिवन बिलो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करना है, ठीक है। इन लिक्विड,
ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं मालूम। आप देख सकते हो कितना कम गिवन डाटा दिया है क्वेश्चन में, है ना, कुछ दिया ही नहीं एक्चुअली इन द। आप एक मिनट पाउस, सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली वो टेलीविजन की थोड़ी बैकग्राउंड साउंड आने लगी थी, सो मुझे जाकर के उसको ऑफ करना पड़ा इन अल्फ। ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन द रे डायग्राम गिवन बिलो, ठीक है, कोई क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का गिवन डाटा हमारे पास नहीं, आप देख सकते हो, है ना। स्पीड ऑफ लाइट मांग रहा है उस लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको नहीं मालूम है। सो ऐसे क्वेश्चंस में जो भी होते हैं, जो भी आंसर आपको मिलते हैं, वो डायग्राम से ही मिल रहे होते हैं। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ डायग्राम ही जो है आपको सारी चीज़ों को बताएगा। सो आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो। देखो एयर और वाटर का दो मीडियम है हमारे पास, ये इंटरफेस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लेट मी शो यू विद द डिफरेंट कलर। यहाँ पर आपको एक इंटरफेस दिख रहा होगा, है ना, ये वाटर टू एयर इंटरफेस है। मीन्स दैट यहाँ रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रहा है, ओ देख रहे हो ना, यहाँ कोई सोर्स से रे ऑफ लाइट यहाँ से इंटर कर रहा है, आप देख सकते हो। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो रिफ्रैक्शन हुआ ना, वो रिफ्रैक्शन थ्रू द इंटरफेस हुआ। मीन्स ये दूसरे मीडियम में इंटर नहीं कर पाया, ये इंटरफेस के थ्रू रिफ्रैक्ट कर गया। तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्टेड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री नॉर्मल टू द सॉरी हाँ नॉर्मल टू द परपेंडिकुलर जो बोल लो, रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है, नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री पे है। अब इंसिडेंस एंगल एंगल आई हो जाएगा हमारा, आप देख सकते हो, ठीक है। फिर से देखो, ओ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ है इंटरफेस पे, यहाँ से रे ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में जाना था, बट वो इंटरफेस के थ्रू ही रिफ्रैक्ट हो गया है, मेकिंग एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। सो यहाँ गिवन डाटा में आपको क्या मिल रहा है, आप थोड़ा इसको लिख लेते हैं, आपको एंगल ऑफ आर मिल रहा है 90 डिग्री, है ना, और एंगल आई क्या है वो आपको नहीं मालूम है। बट यहाँ पर एक टॉपिक होता है जो कि मैं आपको बता दूँ, हालांकि ये टॉपिक 2021 में CBSE इस टॉपिक को हटा चुकी है, दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। 2021 में CBSE ने इस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को अपने सिलेबस पोर्शन से हटा चुका है, बट फिर भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको साइन आई साइन आर सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि रे डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ठीक है। बट स्टिल आप बस समझ लेना, ठीक है, फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। साइन आई हो गया 90 डिग्री, साइन आर जो है वो क्रिटिकल एंगल है, आप सी लिख सकते हो, लीव इट, आप थीटा ही लिख लो ना, आपको नहीं मालूम है। चलो हम समझ लेते हैं कि टॉपिक नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है। सो हम साइन आई को थीटा मान लिए, टॉपिक नहीं है। रे डायग्राम तो पूछा जा सकता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं ना आपसे, सो वही मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ चीज़ें और दी हुई हैं, दैट इज जहाँ पर वो इंटरफेस हुआ, सॉरी जहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ रे ऑफ लाइट का, टब से, जो टब है जिसमें वाटर रखा हुआ है, कंटेनर से में जिसमें वाटर फील्ड है, वहाँ से वो 30 सेंटीमीटर दूर है और डेप्थ ऑफ द कंटेनर है 40 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली आप इस हाइपोटेनस को भी निकाल सकते हो, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिख रहा है, आप देख सकते हो, है ना। तो आप ये हाइपोटेनस को कैलकुलेट कर सकते हो या फिर आप एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेट मी शो यू समथिंग, आप थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिए जो मैं समझाना चाहता हूँ। ये एंगल अगर आई है, आप देख सकते हो, तो ये एंगल आई होगा कि नहीं होगा, ये पैरेलल लाइंस है ना, आप देखो दिस इज अ पैरेलल लाइंस, बोथ ऑफ दीज आर, तो यहाँ ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये एंगल भी आई होगा, राइट। और साइन आई का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, राइट। साइन आई इज इक्वल्स टू वॉट, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ सारी चीज़ें आपको मिली हुई है, परपेंडिकुलर वैल्यू आपको मालूम ही है, आप हाइपोटेनस कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो साइन थीटा आप नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, कैसे, चलो देख लेते हैं। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू वॉट वी गॉट, वॉट इज परपेंडिकुलर, दैट इज 30 सेंटीमीटर, एंड वॉट इज हाइपोटेनस, ऑब्वियसली इट इज अंडर रूट स्क्वायर ऑफ बेस इन टू हाइट, सो इट विल बिकम 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, है ना, स्क्वायर, ऑब्वियसली नॉट थीटा, स्क्वायर। सो वी गॉट द आंसर, दैट इज इट विल बिकम ऑलमोस्ट, लेट मी सॉल्व, ये आपका आ जाएगा 30 अपॉन, इसको आप सॉल्व, एक्चुअली ये 3, 4, 5 का ट्रिपलेट्स है, कॉमन सेंस की बात मिल रही है, तो आपको यहाँ 50 सेंटीमीटर आंसर मिलेगा डायरेक्टली। ये 3, 4, 5 का ट्रिपलेट्स क्या होता है मैं आपको कभी और समझाऊंगा, अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना कि सर ये 3, 4, 5 का ट्रिपलेट्स आपने क्या बताया था। ये बहुत ही अच्छा एक ट्रिक है हमारे पास, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, 30, 40, 50 का ये रेशियो आ जाता है साइड्स का। सो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट्स हो गया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ओके, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, वी गॉट दिस, दैट इज 3/5, ये साइन थीटा का वैल्यू आपको मिल रहा है ना, 3/5। तो ये पर्टिकुलर कुछ एंगल्स भी होगा हमारा एक्स डिग्री, बट ज़रूरत नहीं पड़ेगा वो एंगल फाइंड करने का, ठीक है। सो यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ों को, अब आगे सॉल्व करते हैं।
ठीक है, तो साइन आई आपको मिल चुका है, आप साइन आई का वैल्यूज देख चुके हो, राइट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन आई? दैट इज़ ये कुछ 3/4 साइन, नहीं आपको आई का वैल्यू तो नहीं मालूम है, आई आपने थीटा ही माना है, बट हाँ आपने साइन आई का वैल्यू देख लिया। साइन आई इज इक्वल्स टू वॉट? 3/5। अब हम लोग यूज़ करेंगे इसको 1/1, ठीक है। लेट्स यूज़ द स्नेल्स लॉ फार्मूला। स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं? जिस मीडियम से राइट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम दैट इज वाटर है ना, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड विथ साइन आई इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मल्टीप्लाइड विथ साइन आर, ठीक है। ये बराबर होगा अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से इंसिडेंट हो रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड विद द एंगल ऑफ साइन आई, ये बराबर होगा जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड विद द एंगल ऑफ साइन आर। और यहाँ से साइन आई बाई साइन आर आपको क्या मिल रहा होता है? यहाँ से आपको साइन आई बाई साइन आर आपको मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर, ठीक है। ये चीज़ें आपको मिल रही होती हैं यहाँ पर सी बाई वी। तो अब आप बस वैल्यूज़ को यूज़ करो, आपको आंसर आंसर डायरेक्टली यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो साइन आई का वैल्यू क्या है हमें नहीं मालूम है, सो साइन आई को भी रहने देते हैं। साइन आई का वैल्यू मालूम है, सॉरी 3/5। तो लेट्स ओके वेट, लेट मी सॉल्व दिस। ओके ओके वेट, कहीं एरर हो रही है कुछ, चेक करने दो हमें। साइन आई साइन आर, ठीक है। यहाँ साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होगा? एन डब्ल्यू इंटू साइन आई, ठीक है, इज इक्वल्स टू एन ए साइन आर। ओके, साइन आर को इसको, अच्छा यहाँ ठीक है, ये चीज़ें इसको पलटना पड़ेगा हम लोगों को, एक्चुअली इसको पलट के भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि रे ऑफ, हाँ क्यों मैं इसको पलट रहा हूँ, क्योंकि रे ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम से मीन्स साइन आर को आपको ऊपर रखना पड़ेगा। साइन आर बाई साइन आई इज इक्वल्स टू वॉट? एक्चुअली इट विल बिकम साइन आर यहाँ है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर, दैट इज डायरेक्टली आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। ये चीज़ें आपको वहाँ यूज़ करनी पड़ेंगी कि रे ऑफ लाइट जो है एयर से वाटर में नहीं जा रहा है, वाटर से एयर में जा रहा है, तो फार्मूला को रिवर्स कर दीजिए हम लोग। नाउ यूज़ द वैल्यूज। साइन वॉट इज आर? दैट इज 90 डिग्री। साइन आई की वैल्यू आपको नहीं मालूम, लेकिन हाँ आपने एक वैल्यूज निकाल के रखा है उसका। सो यहाँ आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन रहने दो, लेकिन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम है, हालांकि क्वेश्चन में शायद उसको निकालना है, लेट मी चेक। फाइन अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको नहीं मालूम है, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिस इज़ वेरी श्योर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू ये हो गया, चलो एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, एंड साइन आई दैट इज वी गॉट दैट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 है ना, 3/5, 3 × 5, सो वी गॉट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू दैट इज 5/3। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू तो हम लोगों को निकल गया उस मीडियम का, और इसको आप फ्रैक्शन दोगे तो ऑब्वियसली 1.33 के आसपास आ जाएगा, जो कि आप जानते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, ठीक है, ये आपको मालूम है। अब फाइनल हमारा आंसर है कि आपको वेलोसिटी निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट निकालना है इस मीडियम में, सो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सो डायरेक्टली स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज इक्वल्स टू वॉट? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 5/3, और इसको आप सॉल्व करोगे देन वी विल गेट द आंसर दैट इज ऑलमोस्ट 5/3। ओके लेट मी सॉल्व, इट विल बिकम 1.8 × 10⁻ मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा था स्टूडेंट्स, इन मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट वाटर मीडियम, सॉरी हाँ ठीक है, उस मीडियम वाटर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या आ गया 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ये आपका आंसर यहाँ फाइनली मिल चुका है हम लोगों को 1.8। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये ना, आपको इस क्वेश्चन में कोई भी गिवन डाटा नहीं दिया हुआ था, आप देख सकते हो ध्यान से, ना यहाँ पर आपको उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ना ही कोई वैल्यूज दिए हुए हैं, डायरेक्टली बोला जा रहा है स्पीड ऑफ लाइट निकल उस मीडियम में, तो ऑब्वियसली यहाँ बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था आपके लिए, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत अच्छा है रे डायग्राम के पर्पज से। यहाँ आप एक जगह से फंस सकते हो, दैट इज़ ये स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में आप थोड़ा फंस सकते हो, दैट इज़ वेरी श्योर। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ उल्टा स्नेल्स लॉ यूज़ किया, आप देख सकते हो साइन आर बाई साइन आई लिया है ना, ऐसे होता क्या है, साइन आई बाई साइन आर होता है ना, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू एन होता है हमारा, दैट इज़ एन टू बाई एन वन, एन टू बाई एन वन,
ठीक है, ऐसे तो ये हो रहा होता है हमारा रिफ्रैक्ट स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर हम लोगों ने इसको उल्टा क्यों लिया है, दैट इज साइन आर बाई साइन आई मैंने लिया, आप देख सकते हो, और यहाँ पर मैंने इसको बेसिकली पलट दिया, दैट इज एन वन बाई एन टू हम लोगों ने कर लिया है, लीव इट, ये बाद में तो एन ही हो जाता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, तो रहने देते हैं। सो ये चीज़ें यहाँ पर उल्टा इसलिए हो रही है ना क्योंकि रे ऑफ लाइट, बहुत सारे रीजन्स है बट एक रीज़न ये भी है, रे ऑफ लाइट वाटर टू एयर जा रहा है, तो फार्मूला को हम लोगों ने रिवर्स कर लिया है। अगर ये टॉपिक फिर भी आपको समझ नहीं आया है कि ये उल्टा क्यों हो गया, क्या हो गया, तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, डेफिनेटली आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं इस पर कुछ और बेस्ड एग्जांपल्स लूँगा जो आप उसको और अच्छी तरह समझ पाओगे, अगर समझ नहीं आता है तो, है ना। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।